हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मैथ का टॉपिक मैं लेकर आया हूँ आज, ठीक है। जोड़ एवं घटाव के नियम। जोड़ और घटाव के पहले तो बहुत सारे नियम हैं, इसके बाद एक वीडियो में मैं सारे नियम डालूंगा, आप देखते रहिएगा। इसलिए हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ऐसी बेसिक और अच्छी जानकारी जानने की, ताकि मैथ आपको अच्छा से अच्छा बने और कभी कोई मैथ दिक्कत ना आए ना। और यदि ये बेसिक रूल्स आप समझ लेते हैं, तो आपको दुनिया का कभी भी कोई मैथ ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सब मैं बेसिक नियम हर छोटी छोटी वीडियो में डाल रहा हूँ, आप हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको, और बेल के साथ में जो है आल के साथ में आइकन को आप प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक जानकारी का वीडियो जो है पहुंचता रहे, मिलता रहे, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं जोड़ एवं घटाव के नियम की। तो जोड़ और घटाव का पहला नियम हम यहाँ पे देख रहे हैं, और पहला नियम क्या है, रूल नंबर एक, समान चिन्ह होने पर संख्याएं आपस में जुड़ती हैं। चिन्ह यदि समान रहेंगे तो संख्याएं आपस में जुड़ेगी, तथा हमेशा जो चिन्ह आता है वो बड़ी संख्या का लगेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, ठीक है। देखिए, तो संख्याएं तो जुड़ेंगी, जो भी चिन्ह आएंगे, चिन्ह यदि समान है संख्या जुड़ेगी, तो संख्या तो जुड़ेगी, परंतु चिन्हों का क्या होगा, कौन सा चिन्ह लगेगा उसके साथ में, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे दो नियम आप देख पा रहे हैं, कि दो मैंने अलग अलग स्थितियां ली हुई है। प्लस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या से जोड़ोगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे जुड़ती है, इसकी जोड़ोगे बोला मैं, प्लस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या से जोड़ते हो तो चिन्ह आपका आएगा, आएगा प्लस आएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे +5 है और +4 है, ठीक है। प्लस वाली दोनों समान चिन्ह है, तो राशि क्या होगी, आपस में जुड़ेगी, तो 5 और 4 9 हो जाएगा, चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस आएगा, तो यहाँ पे प्लस। या इसको अपने को चेंज करते हैं, यहाँ पे संख्याओं को यदि अपन अदल बदल करते हैं, आपस में पलट दें, तो क्या होगा, तो 4 को पहले दे दिया, 5 को बाद में दे दिया, दोनों प्लस में समान चिन्ह, तो ये आपस में जुड़ेंगे और चिन्ह आएगा, आएगा प्लस आएगा, ठीक है। अब दूसरी बात पे आते हैं, यहाँ पर भी देखिए, ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से आप घटाते हो, माइनस को माइनस से आप क्या करोगे, तो मतलब जोड़ते हैं, मतलब दो राशि है, ऋणात्मक राशि है, आपस में जोड़ते हैं, चिन्ह आएगा, आएगा आपका माइनस आएगा, संख्या तो जुड़ेगी पर चिन्ह कितना आएगा, माइनस आएगा, संख्याएं जुड़ेंगी पर जो चिन्ह है वो कौन से आएंगे, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा। देखिए एग्जाम्पल में सकते हैं, -5 को -4 से अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपस में जुड़ेंगे, क्या कराएंगे, आपस में जुड़ेंगे, समान राशि यहाँ पर है, समान चिन्ह जुड़ते हैं, समान चिन्ह आपस में जुड़ जाएंगे, 5 और 4 9 हो जाएगा, दोनों का चिन्ह क्या है, माइनस है, या बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस है, इससे क्या चिन्ह आएगा, माइनस का। इसी को मैं पलटा दे रहा हूँ, पहले 5 लिया हूँ, बाद में 4 लिया हूँ, छोटी संख्या बड़ी संख्या, बड़ी संख्या छोटी संख्या, अब यहाँ छोटी संख्या बड़ी संख्या ले लेते हैं, क्या स्थिति आएगी, देखिए तो यहाँ पर समान चिन्ह है, संख्या जुड़ जाएगी, 4 और 5 9 हो जाएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, ऋणात्मक है, माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, पदों की बात कर रहे हैं, एक बात और ध्यान रखिएगा, पद कैसे बनते हैं, मैथ में जो है पद कैसे बनते हैं, प्लस और माइनस दो चिन्हों से ही पद बनते हैं, गुणा और भाग के चिन्ह से पद नहीं बनते, पद यानी इससे प्लस और माइनस से बनते, पक्ष जो है वो बराबर के चिन्ह से बनता है, साइड जो बनता है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दायां पक्ष बायां पक्ष, वो बराबर के चिन्ह, ठीक है। तो ये आपका पहला बेसिक नियम हो गया। दूसरा बेसिक नियम, जोड़ एवं घटाव का नियम नंबर 2। दूसरा बेसिक नियम क्या होता है, रूल नंबर 2 है, असमान चिन्ह होने पर संख्याएं आपस में घटती हैं। असमान चिन्ह होगा तो संख्याएं आपस में घटेंगी, और जो चिन्ह आएगा वो हमेशा बड़ी संख्या का आएगा, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का। इसके पहले वाला नियम क्या था, समान चिन्ह रहेगा तो संख्या जुड़ेगी और चिन्ह जो है बड़ी संख्या का आएगा, ये जो रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 3 है, असमान चिन्ह होने पर संख्याएं घटती हैं और चिन्ह जो है बड़ी संख्या का आएगा, तो संख्याएं तो घटेंगी परंतु चिन्ह किसका होगा, तो चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या का आएगा। देखिए यहाँ पे एक ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, दोनों को आपस में आप क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि असमान चिन्ह से क्या होगा, घटेगा, पर यहाँ पे जो आपका जो अंतर में जो चिन्ह आएगा, जो अंतर आएगा वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, मतलब बड़ी राशि का चिन्ह किसका, बड़ी संख्या का चिन्ह किसका। एग्जाम्पल देखते हैं, +5 में से आप +5 -5 को आप यदि आपस में क्या करते हैं, घटाते हैं, असमान चिन्ह है, यहाँ पर देखिए ये प्लस है माइनस, असमान चिन्ह है, दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में घटेंगे, असमान राशियां घटती हैं तो आपस में घटेंगे दोनों, आपस में दोनों घटेंगे, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह है प्लस में, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। इसी प्रकार से संख्याओं को यदि अपन एक्सचेंज कर ले, यहाँ देख रहे हैं, या करके मैंने क्या, 4 को पहले ले लिया, 5 को बाद में ले लिया, ये प्लस में आ गया, माइनस में आ गया, तो यहाँ पर भी असमान चिन्ह है तो राशि घटेगी, संख्या घटेगी, 4 में से 5 घटाओगे तो 1 बचेगा, परंतु बड़ी राशि का जो चिन्ह है वो माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। अगले नियम में आते हैं, तो माइनस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या से घटाओगे तो या तो वो उसका जो आंसर आएगा वो प्लस में भी आ सकता है, माइनस, एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, तो यहाँ पर -5 को
ये -5 और ये +4, -5 को +4 असमान चिन्ह घटेगा, यदि संख्या आती है असमान चिन्ह घटेगा तो घटेगा मतलब 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या 5 है, फिर माइनस यहाँ पे माइनस, इसी को अपन बदल देते हैं, पलट देते हैं संख्या को। संख्या को यदि पलट दी जाए, +4 था उसको इधर से -4 कर लेते हैं, जो ये माइनस का प्लस कर लेते हैं, असमान चिन्ह क्या होगा घटेगा, 5 में से 4, 4 में से 5 घटाओगे तो 1 बचेगा ना, ये 1 आ गया आपका, पर जो चिन्ह है वो बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या क्या है 5 है, यहाँ पे क्या जाएगा प्लस का चिन्ह जाएगा। इस तरह से ये जोड़ एवं घटाव के जो बेसिक रूल है, इन रूल्स को अच्छे से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ऐसे ही बेसिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, लव यू, गुड नाइट।